तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हमारा फर्स्ट डे है एडवांस एक्सेल की क्लासेस के लिए, और विष्णु जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विष्णु जी, आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे आपके साथ एडवांस एक्सेल की, क्योंकि जो हमारा कंप्लीट कोर्स है इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले एडवांस शुरू करेंगे, देन वीवीए को, देन एक्सेस को, देन सिक्योर को। तो शुरुआत हम करते हैं एडवांस एक्सेल से। तो उससे पहले हम इस चीज को जान लेते हैं, हालांकि ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हो जो आपको ना पता हो इसलिए बता देता हूं कि एक्सेल हम कब और क्यों यूज करते हैं। सबसे पहली बात आती है एक्सेल का, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्प्रेडशीट होता है। अगर उसको सिंपली करूं, जब कंप्यूटर नहीं थे 20-25-30 साल पहले, जब कंप्यूटर उतना यूज टू नहीं था, तो उस समय सारा काम रजिस्टर से होता था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर, क्योंकि आज जो पहले जो रजिस्टर काम करते थे, आज हमारा एक्सेल उसी काम को करता है। जितने भी डिपार्टमेंट में जाए, हर डिपार्टमेंट में हालांकि सॉफ्टवेयर तो है, फिर भी एक्सेल का यूज होता है। तो आज हम इसी चीजों पर चर्चा करेंगे कि अगर आप एक्सेल सीख लेते हैं, या एक्सेल की जरूरत कहां कहां पड़ती है, किस तरह के काम को एक्सेल से किया जा सकता है। आज की सेशन में थ्योरिकल पार्ट में यही हम डिस्कस आपके साथ करेंगे। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं और एक एक्सेल सीट आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल में कि पहला पॉइंट एक्सेल क्या है। एक्सेल का यूज होता है सबसे पहला डेटा स्टोरेज। किसी डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी भी तरह का जो डेटा होता है उसको हम एक्सेल में स्टोर करते हैं। जैसे कि रजिस्टर में लिखा करते थे, वैसे में एक्सेल में भी लिख लेते हैं, क्योंकि एक्सेल में भी आपके पास रो एंड कॉलम होते हैं, तो एक टेबल फॉर्मेट में इसको हम लिख लेते हैं। लेकिन एक्सेल को डेटाबेस नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं कह सकते कि एक्सेल इज अ डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस के बहुत सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। अब क्राइटेरिया की बात आई तो किस तरह की क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया इन द सेंस आपकी सबसे पहले सिक्योरिटी की बात करें। एक्सेल पे अगर फाइल इस्तेमाल करते हैं तो इजीली कोई भी इसको क्रैक कर सकता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसको इजीली क्रैक करने का, मोर सिक्योर नहीं है। डेटा आपकी फाइल को कोई भी डिलीट मार सकता है, इससे डेटा भी सिक्योर नहीं है आपका। दूसरा, अगर मान लीजिए बहुत सारे सिक्योरिटी और बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह लगा भी देते हैं, तो कुछ कारणों से आपकी फाइल करप्ट भी हो सकती है, तो इसको एज ए डेटाबेस नहीं कहा जा सकता। तो इसको अगर डेटाबेस नहीं कहा जा सकता तो किस तरह का डेटा हम स्टोर करते हैं। सबसे पहला आता है एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस। जैसे हम जैसे छोटे लोग हैं, उनके पास 1,000, 2,000, 10,000 का डेटा होता है, तो वो लोग अलग डेटाबेस को अफोर्ड नहीं कर पाते। हम हमें एसक्यूएल और ओरेकल जैसे डेटाबेस को हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग इसको एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरे पास हम लोगों के पास बहुत ही माने कि लो अमाउंट ऑफ द डेटा होता है, इसलिए हम एक्सेल को एज ए डेटाबेस बना लेते हैं। अब दूसरा बात यहां पे आता है कि मिसलेनियस, अगर आप बात करें तो मिसलेनियस डेटा, मिसलेनियस डेटा अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो मिसलेनियस डेटा को स्टोर किया जाता है। अब मिसलेनियस डेटा क्या होता है? अब मान लीजिए आप टैली यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए, टैली या सैप या सैप फी को यूज करते हैं। कंपनी में क्या होता है कि छोटे मोटे खर्चों के लिए एक पेटी कैश का सिस्टम होता है। 2 रुपए की फोटो स्टेट कराई है, उसका रिकॉर्ड टैली में और सैप में थोड़ी डालेंगे, लेकिन हिसाब तो रखना होता है ना। तो उस लिए हम उस समय एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। आप अटेंडेंस के लिए बहुत सारे ट्रोलिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी अटेंडेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेल ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के बाद भी छोटे मोटे जो मिसलेनियस डेटा, मिसलेनियस कैलकुलेशन के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, जो कि हर कोई यूज करता है, वो आता है रिपोर्ट्स के लिए, रिपोर्ट डेटा के लिए।
अब जैसे कि क्या होता है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं उससे रिपोर्ट तो निकलते हैं, लेकिन उसके रिपोर्ट के आउटपुट फिक्स होते हैं, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसको अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि उस रिपोर्ट के डेटा को एक्सेल पे लाते हैं, देन उस पे अपने हिसाब से डैशबोर्ड, अपने हिसाब से रिपोर्ट, चार्ट, ग्राफिक्स, विजुलाइजेशन तैयार करते हैं, क्योंकि एक्सेल में हमें बहुत फ्रीडम मिलता है अपने हिसाब से डेटा को रिप्रेजेंट करने का। तो जो रिपोर्ट की डेटा होती है उस डेटा को हम एक्सेल पे स्टोर करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स बनाने के लिए, फॉर्मूले लगाने के लिए, चार्ट्स पिवट लगाने के लिए हमें डेटा तो चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे डेटा को स्टोर करते हैं। तो एक्सेल डेटा स्टोर के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट इज नॉट ए डेटाबेस। किस तरह का डेटा इस्तेमाल किया जाता है? एसएमई, मतलब जो छोटे मोटे व्यापारी है वो मिसलेनियस डेटा एंड जो रिपोर्ट का या एनालिटिक का जो डेटा होता है, बैकएंड डेटा होता है, उसको स्टोर करते हैं। विष्णु जी समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नहीं, आई एम क्लियर राइट नाउ। अब सेकेंड जो आता है वो आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए मेरा तजुर्बा कहता है एक्सेल से बेटर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। जहां तक मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर यूज किए हैं और स्टडी किए हैं, उसमें कैलकुलेशन के लिए एक्सेल परफेक्ट है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, आप एसक्यूएल सर्वर की बात कर लें, एसक्यूएल सर्वर की बात करें, वहां पे कैलकुलेशन करने के लिए फील्ड टू फील्ड कैलकुलेशन होता है। एक्सेस की बात कर ले, ओरिकल की बात कर ले, सैप की बात कर ले, वहां कैलकुलेट करने के लिए डेटा में फिल टू फिल कैलकुलेशन होती है, मतलब कि जो भी फॉर्मूला अप्लाई होगा पूरे कॉलम पे अप्लाई होगा। बट एक्सेल में आप एक सेल, क्योंकि एक्सेल के अंदर एक सेल का एड्रेस होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास Q1 एंड यहाँ पे Q2 है, Q1 की सेल मान लीजिए यहाँ पे 580 है, Q2 के सेल मान लीजिए 690 है, मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ के लिए फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन मैं अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज द सेंस, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, अगर मैं इसको नोटपैड में करना चाहूं पेन पेंसिल से, तो हम करेंगे कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, सिंपल हमारा मैथमेटिकल्स है। तो यहां पे इसी चीज को हम फॉलो करेंगे कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। तो ये जो कैलकुलेशन हमने डाल दी, ऐसी फ्रीडम हमें सिर्फ एक्सेल में मिलती है, किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं। उसके बाद तीसरा आता है, वो आता है एनालिसिस, एनालिसिस या रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, कि डेटा को इजीली एनालाइज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा डेटा आपके सामने है सेल्स का, अब मुझे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन चाहिए यहां पे कि हमारा एक्चुअली में हमारी कंपनी जो है एक ऑफर देने वाली है कि अगर आप इतना क्वांटिटी परचेज करते हैं तो आपको 5% का ऑफर मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। उससे पहले मुझे ये चीज को जानना जरूरी है कि जनरली हमारा ऑर्डर क्या आता है। और मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 40 से 50 के बीच में अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और मैंने हमारा डेटा में देखा गया, हमने डेटा में चेक ही किया कि मोस्टली सेल हमारा 40 से 50 के बीच में ही होता है, तो हर सेल पे हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा 10% ना। तो पहले हम चेक करेंगे किस अमाउंट ऑफ द रेंज का सेल हमारे पास आता है। तो इसके करने के लिए हमें एक बस छोटा सा पिवट टेबल लगाना है, मतलब कि विद इन मिनट्स के भी कम टाइम में हम इस चीज को ढूंढ सकते हैं कि कितने क्वांटिटीज के ऑर्डर आते हैं। बस राइट क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, और यहां पे हमने बोल दिया 10 का ग्रुप। तो हम पा रहे हैं कि 80-90 के बीच में जो से आते हैं क्वांटिटी, वो सबसे ज्यादा।
हमें जो रखना होगा ऑफर इसी ऊपर रखेंगे, तो तुरंत हम डेटा को एनालाइज करके अपनी इंफॉर्मेशन निकाल लेते ताकि हम डिसीजन अच्छा ले सके। और एनालिसिस को हम रिप्रेजेंट, अगर हम अब क्या है बहुत सारे लोग होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए हम एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर प्रेजेंटेशन के लिए तो पीपीटी बेटर होती है, लेकिन पीपीटी बेटर होती है लेकिन डायनेमिक रिपोर्ट अगर आपको दिखानी हो तो पीपीटी उसमें बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं करती है। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। आपके सामने रिपोर्ट आपको दिख रहा है, तो यहां पे मैं बी सी सिलेक्ट करता हूं तो टीम सी का आता है, डी सिलेक्ट करता हूं टीम डी का आता है, छोटा सा है परफॉर्मेंस है। तो अगर आप इसको पीपीटी में करेंगे तो क्या होगा कि आपको हर टीम के लिए अलग अलग स्लाइड्स बनाने पड़ेंगे और कंपेयरिंग में मतलब टीम बी और सी को कंपेयर करना है तो उस स्लाइड पे आना और जाना पड़ेगा। बस यहां पे क्लिक कर रहे हैं आप देख रहे हैं पूरा चार्ट अपने हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं वो एक्सेल में बेटर होगा। और चौथा जो है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है शेयरिंग। अब शेयरिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए रिपोर्ट जो डैशबोर्ड से रिपोर्ट बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल रिपोर्ट होता है पावर बीआई का, सर मेरे हिसाब से अभी तक जो रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छा इजी और सबसे फास्ट वर्क करने वाला हमारा पावर बीआई का है। इस रिलेटेड वीडियोज में यूट्यूब पे डालते रहता हूं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं? ऐसा इसलिए कि इस रिपोर्ट अगर मान लो कोई रिपोर्ट बनाओ तो इसको शेयर करने के लिए आपके पास पावर बीआई होना चाहिए। अगर आपके पास पावर बीआई नहीं है तो आप जो है रिपोर्ट को नहीं देख सकते। आप रिपोर्ट नहीं देख पाएंगे। तो एक फाउंडेशन होगी कि आपको पावर बीआई डाउनलोड करके परचेज करके उसके बाद आपको देखना, और सारे ऑफिस में पावर बीआई अवेलेबल हो उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन एक्सेल हर किसी में होगा, एक्सेल नहीं होगा तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव होगा जैसे कि ओपनएआरजी, सिम्फनी या फिर एक्सेल व्यूअर जैसे सॉफ्टवेयर होंगे। एटलीस्ट कुछ भी नहीं हुआ तो वो जीमेल पे ही डायरेक्ट देख सकता है कि जीमेल पे ही वो डायरेक्ट यहाँ गूगल सीट की मदद से अपने डेटा को देख सकता है। हाँ शीट को तो देख सकते हैं। हाँ मतलब कि एक्सेल फाइल को हम गूगल शीट पे ले आ सकते हैं इजीली। मैं तो बेसिकली पांच जो यूजेज है वो है कि हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेटा को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। तो अगर आप एक्सेल सीखते हैं तो इसी का काम यूज करते हैं। अब बोलेंगे सर अगर इसका काम ये है तो वीवीए का इस्तेमाल क्या होता है? पूछ देते वीवीए का इस्तेमाल होता है इसी सारे काम को ऑटोमेशन करने के लिए। जैसे कि प्लेन का काम फ्लाई करना है, ऑटो पायलट क्या करता है? ऑटो पायलट प्लेन को खुद उड़ा देता है, ऑटोमेटिक उड़ाता है बिना पायलट का। उसी तरह से आपका वीवीए जो है इन सारे काम को आपके बगैर कर देता है। ओके समझे? हाँ जी। तो वीवीए का ही इसलिए है। अब बोलेंगे सर कोर्स में तो आपका एक्सेस भी है, सीक्वल भी है, तो कुछ ऐसे काम है जो कि एक्सेल पे पॉसिबल नहीं है या पॉसिबल है तो बड़ी लंबी है। ओके उस काम को एक्सेस बड़ी इजीली कर देता है। और उसमें हमारा सीक्वल सर्वर का रोल क्या है कि जब हम एक्सेल को किसी अनदर डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो उस कनेक्ट में जो कनेक्शन की जो क्यूरी होती है उसमें एसक्यूएल क्यूरी चलता है या
एक्सेल में जो डेटा की कनेक्टिविटी होती है, डेटा हम किसी फाइल से एक्सेल फाइल से क्यों ना ला रहे हो, जब लाते हैं तो हमें एसक्यूएल क्यूरी की जरूरत पड़ जाती है। तो एसक्यूएल क्यूरी वहां पे आपको हेल्प करती है। तो एसक्यूएल क्यूरी एक्सेल में यूज हो सकती है, मींस आप क्वेरीज में भी यूज हो सकती है, वीवीए प्रोग्रामिंग में भी यूज हो सकती है, वीवीए भी हो सकती है, यूज होता है SQL सर्वर पे भी यूज होता है। आप जाएंगे डेटा बार में, यहां आपको क्यूरी दिखेगी, ठीक है। ओके, इसी में आपको अगर देते अदर सोर्सेज में SQL क्यूरी, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, ब्लैंक क्यूरी, माइक्रोसॉफ्ट, या आप खुद की क्यूरी लिख सकते हैं। ओके ठीक है, ओके। अब समझ में आ गया आपको कि एक्सेल से करेंगे क्या, वीवीए क्या रोल करता है, एक्सेस का क्या रोल है और एसक्यूएल का रोल है। अब क्या है इसके बारे में जान लीजिए। एक्सेस को भी एसएमई के अंदर रखा गया है, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। क्या एक्सेल में अगर आपके डेटा 10,000-20,000 लाख तक है तो चलो एक्सेल झेल लेता है, इससे बड़ा डेटा हो तो एक्सेल में काफी कॉम्प्लिकेशन होने लगती है, काफी स्लो और हैंग होने लगता है। ऐसे डेटा को हम एक्सेस पे डाल देते हैं, तो एक्सेस को हम बैकएंड यूज करते हैं, फ्रंटएंड को एक्सेल इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप पीएचपी की बात करें तो आपका पीएचपी वेबसाइट देखते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका फ्रंटएंड होता है, जो भी करते हैं इंटरफेस होता है, लेकिन पीएचपी और इसका MySQL चलता है ना। हाँ जी, तो सेम चीज यहां भी होती है। ओके ओके, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, कि सीखने के लिए क्या प्रिपेयर करना होना चाहिए। इसमें जो है दो चीजें जरूरत है। पहले चीज की बात करूं तो वो है टाइम। टाइम मेरा नहीं, आपका टाइम। टाइम मतलब, क्योंकि क्या ना सर, एक लर्निंग ऐसा चीज है जिसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या और आपने आपने लाइफ का आधा टाइम हम सिर्फ सीखने में बिता देते हैं। एटलीस्ट 25 साल तो करने को, 25 साल तो कम से कम पढ़ता ही पढ़ता है। 25 ईयर हम अपना स्कूलिंग और कॉलेजिंग कर देते हैं, उसके बाद भी जिंदगी हमें सिखाती रहती है। और मैं तो काफी टाइम से सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ सर, अभी मेरा इस पे पैथन पे चल रहा है लर्निंग। Python, okay, that's good. अब शुरुआत की थी एक्सेल से 2002 में, फिर वीवीए नया कुछ आया तो वीवीए को सीख लिया, फिर 2007 आ गया, रन ऑफिस 95, then 23, 2007, 2010, 13, 16 and ऑफिस 365, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है ना, रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है। बच्चों ने बोला कि सर एक्सेस सिखाई है, तो एक्सेस को सीखा, सीक्वल भी सीखना है, पावर बीआई को भी सीखा, टैबलू को भी सीखा। सो इम्पोर्टेंट है, तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए घंटे दो घंटे का टाइम होना चाहिए। अगर घंटे दो घंटे आप प्रैक्टिस के लिए नहीं दे सकते तो सिर्फ क्लास लेने से आप सर नहीं बन जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई कैप्सूल तो है नहीं कि सुबह शाम आपको दूंगा कि भाई ये बीबीए का कैप्सूल ले लीजिए, ये एक्सेल का कैप्सूल ले लीजिए। तो सीखना आप ही को है, ठीक है। okay. सिखाने का काम मेरा रहेगा, सीखने का काम आपका रहेगा। आप ज्यादा सीखना चाहेंगे मैं आपको उतना ज्यादा सिखाऊंगा, ओके। डिपेंड करता है आपके ऊपर। श्योर, तो टाइम होना चाहिए। दूसरा, थोड़े से मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स क्यों होगा, आप बोलेंगे सर बस पूरी लाइफ तो सर मैथ से भागता रहा, स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ, फिर वापस मैथ में घुसा रहे हैं। क्या करें सर, मैथ हर जगह है। कि आपको कॉलेज छोड़े हुए काफी टाइम हो चुका होगा, हाँ जी, तो आपकी भी लर्निंग की हैबिट रही नहीं। अगर एवेंजर सीरीज देखना चाहे तो 2-3 सीरीज इकट्ठे देख दे, लेकिन चीज आपको अगर मैं फिजिक्स का मैं बुक पढ़ने के लिए दे दूं तो आपको हमें लगता है 10 या 15 मिनट या फिर आधा घंटा बहुत है नींद आने के लिए। क्या, क्योंकि हमारा
एंड अभी लर्निंग हैबिट में नहीं है, तो मैथमेटिक्स जो है आपको लर्निंग में लाता है। दूसरा, मैथमेटिक्स के बहुत सारे यूजेस भी है, फॉर्मूले वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आप भूल गए, जैसे कि बोर्ड मास मेथड हो गया। बोर्ड मास मेथड क्या याद है, भूल गए? हाँ, ब्रैकेट्स। जी हाँ जी हाँ जी। अब जैसे इस कैलकुलेशन को हमने किया, अब इसमें बोर्ड मास मेथड यूज ना करता तो क्या होता, ये रिजल्ट आता। हालांकि हमने सारा सब कुछ तो सेम ही किया है ना, ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट, बट हमने ये चीज भूल गए कि पहले डिवाइड होता है देन माइनस होता है, माइनस होता है। ये चीज तो मैथ से आई है ना सर। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह की और भी चीजें हैं, तो थोड़ी सी कोई भी बुक उठा लीजिए, इंटरनेट उठा लीजिए, कुछ मैथ के तरीके वगैरह पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ जी हाँ जी। मैथ जितना अच्छा होगा एक्सेल भी उतना अच्छा होते जाएगा, क्योंकि मैथ हमें अलग तरीके से सोचने का नजरिया देता है। हमारे आम भाषा में उसको जुगाड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, उसके बाद हम आपको जो है एक 5 घंटे का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। और ये 5 घंटा पूरा नहीं देखना है, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से पता हो। ठीक है, हाँ जी। और हो सकता है कि नया हो, तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा सर। आप शेयर कर रहे हो इसमें? हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके। आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ जी। और कल इसी टाइम पे मिलते हैं, जहां हम बात करेंगे आपके साथ, हम अपने एक्सेल को शुरू करेंगे। ठीक है, कल का जो टॉपिक होगा होगा सिलेक्शन मेथड। ओके।